हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग का न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद हम ब्लॉग बना रहे हैं। और कैसे हैं फ्रेंड आप लोग? मैं तो अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये देखिए, मेरा हाथ भी जल गया है, पर कोई बात नहीं, ये जल गया था पर अब ठीक होने वाला है। चलिए, हम आज का ब्लॉग में हम क्या दिखाते हैं देखिए। हम रील्स बनाते हैं और मौज पे वीडियो बनाते हैं, और जैसे ड्रेस पहनते हैं फिर ड्रेस चेंज करके सारा मतलब गोदरेज में रख देते हैं। इतना बिखर गया है ना, इतना ख़राब हो गया है ना, अंदर से सारा कपड़ा इधर से इधर हो गया है। फिर हम सोचे चलो भाई इसको सही करेंगे, तो अकेले में तो सही होगा नहीं, तो क्या करें, तो फिर करना क्या है, अकेले ही करना पड़ेगा। और आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए, पूरा वीडियो बने रहिए, और हम गोदरेज सही करने के बाद हम क्या क्या करते हैं वो सब कुछ दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम गोदरेज सही कर लिए और आप लोग को इतना ही दिखाए, ऐसा नहीं है। पूरा वीडियो देखते रहिए और चलिए हम ले चलते हैं गोदरेज की ओर। देखिए फ्रेंड, ये कैसे हो रखा है, कैसे हो रखा क्या है, करके रखे हैं तभी हुआ है ना। देखिए इसमें गाउन है, क्रॉप टॉप है, सारा मतलब जैसे तैसे रखे हुए हैं। और इधर ये मेरा चूड़ी है, सारा ये चूड़ी मेरा ही है। और इसमें दिखाते हैं, इसमें देखिए, इसमें जैसे तैसे, इसमें ईयर रिंग्स है, बहुत सारा ईयर रिंग्स है, फेस पाउडर है, यहाँ पे इसमें भी ईयर रिंग्स ही है। और देखिए यहाँ पे है गला का सेट है, बहुत सारा है, गला का सेट भी है इधर, मतलब बहुत सारा चीज़ है इसमें। देखिए जैसे तैसे रख दिए हैं, इसको भी हम सही करेंगे। और अब चलिए देखिए, ये देखिए कैसे कर रखे हैं। इधर ये जींस और जितना भी सारा चीज़ जैसे के तैसे सारा कपड़ा रखा हुआ है। और नीचे का कपड़ा देखिए, नीचे भी ऐसे ही सब ठूस ठास के रख दिए हैं। देखिए कितना बेकार लग रहा है, लग रहा है ना। और ऊपर देखिए, ऊपर जितना है ना वो सारा मेरा गिफ्ट है, और बर्थडे में सारा गिफ्ट पड़ा था वो सब गिफ्ट है। यहाँ जितना है ना, यहाँ पे गाउन है, क्रॉप टॉप है, और मेरा साड़ी है, यही सब है इसमें। और इसमें तो पता ही है, और वहाँ तो पता है लॉकर है। उसमें भी है। और यहाँ देखिए, अब सबको सही करते हैं। देखिए फ्रेंड, पूरा खाली कर दिए हैं, बस वहाँ मास्क है, वो मास्क छोड़ देते हैं। और ऊपर तो गिफ्ट है, गिफ्ट को तो ऐसे ही रहने देते हैं। और इसमें सिर्फ मेरा पर्स है, जितना भी पर्स है, दो तीन चार पर्स है, साइड बैग भी है, इसी में है। और ये दोनों को हम बाद में करेंगे, पहले ये कर लेते हैं। और इधर देखिए इतना सारा कपड़ा है, और कैसे सही करेंगे मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। देखिए पागल हो जाएंगे हम। देखिए
देखिए फ्रेंड, हम किचन में आ गए हैं। अभी शाम का 6 बज रहा है, तो मुझे कुछ खाने का मन कर रहा था, तो फिर सोचे क्या खाए, तो फिर मन किया मैगी बना लेते। तो देखिए यहाँ पे मैगी लाए हैं, और इधर देखिए टमाटर काट लिए हैं, प्याज है, कच्चा मिर्च है, और इधर कढ़ाई गर्म हो रहा है, अभी गर्म नहीं हुआ है। और आज मम्मी का फास्टिंग था, तो मम्मी फलाहारी कर चुकी है, और इधर दूध है। और इधर रात में देखिए, रात का खाने में हम क्या बनाएंगे, भिंडी बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, और टमाटर का चटनी बना लेंगे। और तब तक उधर मैगी बन रहा है, तो फिर हम सोचे जल्दी जल्दी हम भिंडी भी काट लेते हैं, तो फिर मैगी खाएंगे और भिंडी का भुजिया बना लेंगे, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो देखिए मेरा मैगी बनके तैयार हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है ना। और यहाँ पे देखिए मैगी तैयार हो गया है, अब खाएंगे। उसके बाद खाने के बाद चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। बाय बाय। अगर मैगी अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं आप लोग।